इटावा में हुए दो ट्रेन अग्निकांड हादसे की जांच शुरू। इटावा में बीते बुधवार को दो ट्रेनों में हुई अग्निकांड की घटना को लेकर रेलवे बोर्ड द्वारा बैठक की गई। जांच टीम के अधिकारियों ने शुक्रवार को इटावा पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते बुधवार की शाम करीब 5 बजे इटावा में सराय भूपत स्टेशन के पास क्लोन हमसफर एक्सप्रेस में हुए अग्निकांड हादसे में ट्रेन की 3 बोगियां जलकर के राख हो गई थी और करीब 1 दर्जन सवारी यात्री घायल हुए थे। उसके चंद्र घंटों के बाद ही रात के करीब 2 बजे दिल्ली से बिहार जा रही वैशाली एक्सप्रेस में भी अग्निकांड की घटना घटित हो गई थी, जिसमें करीब 29 सवारी यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय तथा गंभीर घायल यात्रियों को सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया था। आज शुक्रवार को इटावा पहुंची टीम के अध्यक्ष CRS जनक कुमार गर्ग व उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक DRM हिमांशु कुमार बड़ोनी ने रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में घटना से संबंधित जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ की तथा घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए। मीडिया से बातचीत करते हुए रेल महाप्रबंधक हिमांशु कुमार बड़ोनी ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। देखिए, ये विषय पे जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो आधा पक्का इन्फॉर्मेशन होगा जो कि उचित नहीं होगा। तो ये इंक्वायरी पूर्ण होने पर ही हम उसके कारणों का के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। साथ ही क्योंकि आप सब मीडियाकर्मी जो बहुत सजग लोग हैं, मैं आप लोगों के कार्य की भी बहुत सराहना करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी समय पर भी हम लोगों का बहुत साथ दिया और जो उस वक्त आप मीडियाकर्मी भाई आए थे उन्होंने कई लोगों की सहायता भी की, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और साथ ही हम आपसे फिर पुनः एक बार अपील करना चाहेंगे कि जो ये छठ का त्यौहार का सीज़न चल रहा है, स्पेशली दिवाली और छठ में हमने पहले भी कैंपेन चलाए और काफ़ी सजगता भी बरत रहे हैं, लेकिन जब तक जनता का, आम जनता का और आप लोगों का सहयोग हम लोगों के साथ नहीं होगा तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जा रहा है, कोई पटाखे ले जा रहा है, इस तरीके की चीज़ों को रोकने में आप लोग हमारा सहयोग करें तो हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। देखिए, ये अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है क्योंकि जांच में कई लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और उनसे बात की जा रही है। जैसा आपने देखा होगा, जो पेशेंट्स हैं उनकी स्पेशल केयर ली गई, हम लोग भी CCRS साहब भी अभी पेशेंट्स को मिलने गए जो पुराने थे, उन लोगों को बिल्कुल हम लोग ये कम्फर्टेबल कर रहे हैं। उन लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि हमारी पूरी सहायता की जा रही है और हम लोग मतलब रेलवे के लिहाज से खुश हैं। उन लोगों का कुछ का कहना ये, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया में वीडियो वायरल हो भी रहे हैं कि कुछ जलने की आवाज़ आई, कुछ किसी को कोई कह रहा था कि हमें कोई सिलेंडर टाइप का ब्लास्ट दिखाई दिया या कुछ हुआ। ये सारी चीज़ों को देखिए हम नकार नहीं सकते। हम लोगों का कार्य क्या है एज अ प्रशासन की हमें जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसके ऊपर हम एक्ट करें। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे कि हमारे डॉग स्क्वाड्स भी लगे हैं, RPF भी लगे हैं, हमारा कमर्शियल स्टाफ भी लगा है, वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सजगता बरती जा रही है। और ये भीड़ का समय है और लोगों को भी अपने आप ये ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे स्मोकिंग है, एक पर्टिकुलरली मैं आप लोगों का संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हम लोग स्मोक करके जो लोग वो करते हैं, स्मोकिंग किसी भी सार्वजनिक परिसर में कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो स्मोकिंग ना करें और ना ही होने दें। पान थूकना, ये सब चीज़ों के ऊपर तो इस क्षेत्र में हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा सजगता बरतते हैं। साथ ही अब ज़रूरत है कि हम लोग स्मोकिंग के ऊपर भी नकेल कसें। और कल ही हमारे करीब 29 केस रजिस्टर किए गए RPF द्वारा एक दिन में, जो कि लोग इस तरीके की चीज़ें करते हुए पाए। मरीज बिल्कुल स्वस्थ हैं क्योंकि जो टोटल 6 जो मरीज थे उनमें से 3 तो डिस्चार्ज हो चुके हैं और जो बाकी 3 हैं वो उनमें से एक एहतियातन क्योंकि परिवार के सदस्य थे वो हैं, और बाकी दोनों का भी जो इलाज है वो बहुत संतोषजनक चल रहा है। 1-2 दिनों में वो भी डिस्चार्ज। मुआवजा फिर कितने लोगों को अभी तक दिया जाता है? मुआवजा जो इस 25-70 वाले जो यानी घटना थी, इसके सभी लोगों को मुआवजा बढ़ चुका है और सभी लोगों को जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट बोलते हैं उसका भुगतान हो चुका है। देखिए, यहाँ पे हमारा इटावा की जो अभी जो स्थिति है वो हम लोगों ने इसको अमृत भारत में भी लिया है, लेकिन इटावा में थोड़ा आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं क्योंकि इटावा का अभी हमें सेकंड अभी जो हमें मालूम है वो ये है कि हमारा जिस साइड में सिटी है अभी उस साइड में हमारा स्टेशन बिल्डिंग है और वो 3 किलोमीटर दूर से यमुना जी है। तो अब जो
सिटी का एक्सपेंशन होगा वो इस साइड नहीं होना है, सिटी का जो मेन एक्सपेंशन है वो दूसरी साइड में होगा, अपोजिट साइड में। मीन्स अभी हम इस साइड में बैठे हैं तो उसके दूसरी साइड में एक्सपेंशन होना है। तो आज हम सबसे पहले यही देखने गए थे कि जो हमें सिटी के दूसरे साइड में जो एक्सपेंशन करना है, वहाँ सर्कुलेटिंग एरिया बनाना है और वहाँ पे हमें जो बिल्डिंग बनानी है उसको हम कहाँ पर एकोमोडेट करें। आपने ये भी देखा होगा कि ये बिल्डिंग है, यदि हम अमृत भारत में इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो इसको हम एक रिस्पेक्टेबल स्टेट में पहुँचाएंगे और साथ ही हम जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसको वाइडन करेंगे, प्लस भविष्य की प्लानिंग की हमें जो नया बिल्डिंग है वो किस तरफ आए और हम अपने जो ये स्टेशन प्रीमाइसेस है वो केवल पैसेंजर्स के लिए रखें और जो हमारे खुद के ऑफिसर्स होते हैं जो लोग काम करने, जैसे हमारे CHI का ऑफिस है वो बाहर हो सकता है, हमारे CMI का ऑफिस है वो बाहर हो सकता है, हमारे AEN हैं, IOWs हैं, हमारे AME साहब हैं, इन सब के ऑफिस बाहर हो सकते हैं। तो वो हम अलग से किसी जगह बनाएं ताकि जो स्टेशन का एरिया है वो सिर्फ हम पैसेंजर्स के लिए रख सकें और ज़्यादा से बेहतर सुविधाएँ उनको। आपने एक बच्चा समय दिया था जी, एक महीने उसमें से अभी कितने महीने निकले हैं, अभी सिर्फ 6 महीने निकले हैं, 6 महीने टाइम अभी बाकी है और आप देखेंगे कि चेंजेस आएंगे और सकारात्मक चेंजेस आएंगे। देखिए कोई भी कार्य जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद हमें प्लानिंग में फिर त्रुटियां नजर आती हैं कि भाई हम गए थे, हमने एक बार में देखा तो हमें ये लगा, लेकिन जब हम उसके सिटी के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की या रेलवे स्टेशन के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जो एक्सपीरियंस होता है लोगों का या जो हमारी समझ बिल्डअप होती है या आप लोगों से मीडिया कर्मियों से भी हमें या क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं उनसे या और स्टेक होल्डर से जो सूचनाएं मिलती हैं उसके बेसिस पे हम पूरे के पूरे डेवलपमेंट को प्लान करते हैं। सर लाइन पार विंडो का बिल्कुल लाइन पार भी पूरा का पूरा एक सेकेंड एंट्री इटावा। देखिए हमारे प्रयागराज मंडल के बहुत बड़े स्टेशनों में से एक है और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी इम्पॉर्टेंस हमारे लिए बहुत अधिक है तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसको बेसिकली जो सेकंड एंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए भी आप ये समझे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी वो प्लानिंग स्टेज में वो होगा, लेकिन 12 मीटर का FOB वो आपको बहुत जल्दी उम्मीद है कि उसका कार्य शुरू होता है, वो देखने को मिलेगा कार्य शुरू।